हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हम लोग का डे है, दैट इज़ डे थ्री, और ये जो पर्टिकुलर सेशन आपका स्टार्ट हुआ है, ये ग्रुप डी और एमटीएस के लेवल का रहेगा। क्वेश्चंस बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे आपके लिए रेडी करे गए हैं, जिस तरीके से अभी रेलवे ने सवाल पूछे थे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे आपको सवाल मिलेंगे। और जैसे एसएससी ने अभी कुछ पेपर जो कराए थे, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, दोनों का जो लेवल है उसको यहाँ पे कवर किया गया, ठीक है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन का जो क्लास हो रहा है, आप जानते हैं कि स्टेट का स्टैटिक हर एक पेपर में पूछा जाता है, आप बच थोड़ी ना सकते हो। तो ये क्लास आपका सुबह 10:30 बजे चल रहा है, लाइव ही होता है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है, चलता नहीं है, जो भी इशू आ जाता है। तो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन। इस वीक में आपकी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, कौन सी वाली, पॉलिटी की जो चल रही है, फिर कुछ नया स्टार्ट होगा। लेकिन जितने क्लास बचे हैं, कम से कम पढ़ तो लो सही। पता चला कि नील बटे सन्नाटा रह जाओ पॉलिटी में, तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी पता नहीं मेरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, और एक बार प्लीज सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से मार दीजिएगा, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज नेशनल एनिमल, मतलब बच्चों वाला सवाल, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया था, टाइगर। अब यहाँ पे देखो सवाल क्या पूछ सकते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स पूछ लेंगे, और आप जाके चुपचाप हॉकी मार करके चले आएंगे। भैया जगह खाली छोड़ देना, क्योंकि हॉकी जैसा कुछ भी नहीं है। अगला, फर्स्ट रेलवे लाइन जो स्टार्ट करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कहाँ से कहाँ तक करी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई टू थाने के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। और अभी देखो, ये तो एक तरफ का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो अभी स्टार्ट करी गई थी, ये कहाँ से कहाँ थी, तो ये भी आपके मुंबई से विजाग यानी कि विशाखापट्टनम के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला, व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट सन, सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो सेरेस होता है, जिसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला, हाउ फार डज द अर्थ रोटेट इन एन आर, यानी कि एक घंटे के अंदर जो अर्थ का रोटेशन होता है वो कितना समय लगता है। हम लोग कहते हैं ना 24 घंटे लगता है, 24 घंटे थोड़ी ना लगता है यहाँ पे, ये बस इतना याद रखना, बाकी ये 4 सेकेंड भूल भी जाओगे तो भी कहानी चल जाएगी अपनी। 23 आवर्स 56 मिनट्स, इतना समय लगता है। तो आप किसी को भी जब बर्थडे विश करना, तो इतने टाइम पे आप बर्थडे विश करके आराम से सो सकते हैं। अगला, वेयर इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का सोर्स कहाँ पर है। सिंपल है, महाबलेश्वर के अंदर है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। सेकेंडली, अगर आपसे कहा जाता है कि गोदावरी, तो त्रिंबक प्लेटी हो जाएगा। अगर कर्नाटका पूछा जाएगा तो भीम जो आपका ये जो मैं ही बताऊँ, भीम तो आधा बोल ही दिया, आधा बचा है, चलो तुम बताओ, यहाँ पे आधा तो मैंने बोल ही दिया है। कर्नाटका के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है, कावेरी का ओरिजिन कहाँ से है। अगला, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अरब सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो अरेबियन सी वाला एरिया है और वहाँ से जो बे ऑफ बंगाल तक का एरिया है, दैट मीन्स ये पूछा जा रहा है सवाल में, ठीक है, ये एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया कितना है। तो मैंने आपको कहा था ना कि जब लैंड एरिया से पूछा जाए तो 6100 करना, लेकिन अगर इसमें आपसे कंप्लीट कोस्ट लाइन पूछी जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, इसमें अंडमान और लक्षद्वीप वाले एरिया को एड ऑन करके बताओगे। अगला, विच प्राइम मिनिस्टर कैरीड द फॉरवर्ड द आइडिया स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है, पहले सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, अब समाजवाद से मतलब समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही है, मतलब सोसाइटी के अंदर कैसे आपको चीज़ों को करना है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। अगर आप देखेंगे ना प्रीएम्बल, प्रस्तावना, तो उसके अंदर भी ये शब्द जोड़ा गया था, बट बाद में जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अगला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरुआत कब होती है, तो ये 1930 में स्टार्ट होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही जाती हैं उसको मानते नहीं है ब्रिटिशर्स, तो उसी के खिलाफ यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। और 12 मार्च को शुरू होता है आपका डांडी मार्च। डांडी मार्च पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 में स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम। अगला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, दादा भाई नरोजी जी को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन, जो जनगण मन हम लोग गाते हैं ना स्कूल में, बचपन से जो गाते आ रहे हैं, तो ये किसके द्वारा, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। पहले तो देखो ये बंगाली लैंग्वेज में था, आगे चल के फिर ये आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिला। अगला, सत्यशोधक समाज, जो ये सत्यशोधक समाज है, जैसे कि कई बार पूछा जाता है दयानंद सरस्वती जी का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, या रामकृष्ण परमहंस पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है जैसे राजा राम मोहन रॉय जी के कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, ब्रह्मो समाज किसने स्थापित किया, कहाँ शुरू हुआ,
ये सब सवाल बनते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुल्ले। और अभी हाल ही में आपने क्या किया था, इनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी थी, जिस दिन से क्या शुरू हुआ था, टीका उत्सव, याद आया। बस चलो अगला देखो। ड्यूरिंग हुज रीजन द मराठा एम्पायर वॉज ऑन द हाइएस्ट पीक एंड द पावर, किसके टाइम पे मराठा एम्पायर सबसे पीक पे आती है, तो पेशवा बाजीराव। देखिए जो पेशवा होते हैं ना टोटल 8 होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ के नाम तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, मतलब ऐसा वाला कि भूल ही नहीं सकते, ठीक है। अगला, वेन वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाउट, पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। मैंने आपको पूरा वर्ल्ड वॉर पढ़ा के रखा है, जिसमें मैंने दो स्टेटमेंट दिए थे, एक कि गोली चलने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 होती है, और गोली ना चलने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 होती है। ये याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है। अब आपने क्लास किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा आपको टेलीग्राम पे थोड़ा अपडेटेड रहा करो, अगर मैं कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ तो उसे एक बार देख ज़रूर लिया करो, शायद वो आपके काम का हो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब होती है वो आप मुझे आंसर करके बताओ। बस मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी नाम की जगह थी जहाँ पे बॉम्ब गिराए गए थे यूएसए के द्वारा, वो टाइम पीरियड क्या था, 6 और 9 अगस्त, ठीक है। चलिए अगला, विच स्टेट स्पोक मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा है। अब अगर आपने देखो सिंपल सुबह 7 बजे का क्लास किया है तो फटाक से आंसर मान लोगे, आंसर क्या होगा, केरला इज द राइट आंसर। और अकीतम जी जो थे ही कहेंगे क्योंकि वो एक्सपायर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो केरला से ही बिलोंग करते थे। अगला, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ MP, आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुलमर्ग कौन से स्टेट में है, ऑब्वियसली बात है कश्मीर के अंदर है, जहाँ पे आपको इग्लू कैफ़े की लोकेशन देखने को मिलती है, जहाँ आप भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, और ये कोरोना भी जाना चाहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कोरोना वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर कभी चलेंगे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन विच इंडियन स्टेट इज द होली पिलग्रिम अमरनाथ लोकेटेड। आपने सुना होगा अमरनाथ यात्रा के बारे में, अक्सर आप सुनते रहते होंगे इसके बारे में, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम से भी कई बार इसको जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, गीतांजलि, अब देखो यहाँ पे इनको अवार्ड मिला था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, कौन सा अवार्ड मिला था वो आप मुझे बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि नाम की इस किताब के लिए एक अवार्ड दिया गया था, अब कौन सा था वो तुम मुझे आंसर करके बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस एपिक जिसका नाम क्या है, महाभारत। अब देखिए महाभारत हो या रामायण हो, ये दोनों जो है ये दोनों के दोनों क्या है स्टार्ट करे जा रहे हैं कहाँ पर, सऊदी अरेबिया के अंदर, रिमेंबर। तो सऊदी अरेबिया में जब इसकी शुरुआत होगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये किसने लिखी है। तो मैंने दो नाम आपको बताए थे, एक था वाल्मीकि जी का नाम और एक नाम किसका था, वेद व्यास जी का। तो वाल्मीकि जी की बात आएगी तो रामायण हो जाएगा, और अगर इसकी बात करी जाएगी तो आंसर वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक। अगला, विच स्टेट इज द स्टेट कैपिटल एंड यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्लास के टाइम पे भाई क्यों यहाँ पर लोगों को होश आता है कि हाँ कुछ काम था, है ना, तो क्या कहा जाए, कोई बात नहीं होता है। चलो सवाल का आंसर करके बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। देखिए अंडमान निकोबार की जब आप बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसी तरीके से अगर आप लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कावाराती इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों की कैपिटल आपको मालूम होनी चाहिए। अगला, द कन्नड़ लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट। अब इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटका होगा। कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ होगी, कर्नाटका में होगी। नेक्स्ट, विच रेलवे फॉल अंडर द ट्रैक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया, जम्मू एंड कश्मीर के लिए नॉर्दर्न रेलवेज इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में आएगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो स्टेट शब्द अगर कहीं पे आ जाए तो समझ जाना कि यूटी की बात हो रही है। अगला, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, एग्रीकल्चर के लिए इसका नाम का यूज़ किया जाता है। अच्छा आप मुझे ये बताना कौन सा कलर पूछूँ, हाँ ब्लैक गोल्ड क्या होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। अगला, विच टाइप ऑफ द सॉइल इज अवेलेबल इन द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी वाली सॉइल होगी, आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, अभी आपको बताया कावाराती। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, अरेबियन सी के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और अगर आपसे अंडमान निकोबार पूछा जाएगा तो इसका एरिया कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में रहेगा।
अगला डीसीएम ट्रॉफी कौन से खेल के साथ में जुड़ी है, तो ये फुटबॉल के साथ में जुड़ी है। अगला विच इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आंसर क्या करोगे? अभी आधे बोलेंगे मैम ऑस्ट्रेलिया, आधे बोलेंगे सेंट्रल अमेरिका। बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगला वट इज़ द शॉर्टेस्ट पोस्ट ऑफ द कमीशन ऑफिस इन IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्सेस के अंदर जो सबसे सबसे छोटी वाली जो पोस्ट होती है वो क्या है? पायलट ऑफिसर। अगला हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किसने किया? जे जे थॉम्सन के द्वारा किया गया। जम्बू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो भैया सुनो, जम्बू रिवर पूछी गई है ना, तो ये ध्यान रखना तावी रिवर है। अगर आपसे श्रीनगर पूछा जाए तो झेलम रिवर है, और जम्मू एंड कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो कौन सी है? झेलम है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा दिए। आज हमारा थर्ड डे था, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखा है, फर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो सेकेंड वाला जो था डे वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है सुबह 5 बजे की, उसमें आप देख सकते हो। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना, और इसी तरीके से 10 मिनट का समय निकाल के चीज़ों को बस रिवाइज करते जाओ। कभी भी देख लो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपके पास में समय हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि 7 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में आपको लाइव हाजिरी देनी होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेडिकेशन आप दिखाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। सेकेंडली नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कब से? 20 अप्रैल से नहीं, 20 मई से शुरू होगा। और अभी आपके पास में टोटल कितना समय बचा हुआ है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि SSC का जो बैच आप अवेल करोगे, अभी 1 साल का परचेज करने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 2 साल का परचेज करने पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। कैसे ज्वाइन करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ से आपका पेज ओपन होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब नाउ करना, और यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोड क्या लगेगा? कोड विल बी Kruti10, और आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा स्कॉलरशिप ये ध्यान रखिएगा भैया, हर संडे होती है। चलो तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।